नमस्कार, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए पोंगल यानी कि खिचड़ी, जो कि घी खिचड़ी भी कहा जाता है, उसको पोंगल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मकर संक्रांति के त्योहार पर खूब बनाई जाएगी। ये झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये पोंगल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये दाल ली है, मूंग दाल ली है, और साथ में ये चावल। अगर 1 कप आप चावल ले रहे हैं तो आधा आपने मूंग दाल लेना है। तो ये हमने चावल डाल लिए और ये हमारी दाल आ गई। ये हम दोनों को मिक्स करके वॉश करेंगे। तो इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, फिर पानी अपना इसमें डाल के इसको हमने विसल दिला लेनी है। इसको हमने सिर्फ एक ही विसल दिलानी है, क्योंकि तो ये हमारे राइस एंड दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम लोग इसका बघार बनाते हैं। तो इसके बघार के लिए मैंने ये काजू लिया है, और साथ में ये होल रेड चिली है, कड़ी पत्ता है, और साथ में ये राई है, सरसों जिसको बोलते हैं, राई लेंगे। तो इसका तड़का हम लोग, तो ये मैंने यहाँ पैन लिया, इसमें मैं ये देसी घी ऐड करूँगी। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि पोंगल में थोड़ा। सबसे पहले हम अपना काजू डालेंगे। जैसे ही काजू हल्का फ्राई हो जाए तो इसी में आप अपने ये रेड चिली डाल दीजिए, थोड़ी सी तोड़ के ऐसे। तो ये हमारा फ्राई हो गया है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी, फिर ये काफ़ी गर्म है, तो जैसे गैस ऑफ कर दी है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक गैस, और साथ में ये कड़ी पत्ता गया। आप थोड़ा कवर कर दीजिए ताकि ये उड़े नहीं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स करके हम अपने इसमें, तो ये देखिए झटपट से हमारा तैयार हो गया। तो ये बिल्कुल हमारी जैसे खिचड़ी होती है, खिचड़ी की तरह पोंगल रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, मुझे इसमें अच्छा लगता है तो मैं इसको डाल रही हूँ। तो मैं इसका थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ कि ये कैसा है, नमक वगैरह इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं। अभी हम लोग इसको सर्व करते हैं। बस इसमें होता है कि घी थोड़ा ज़्यादा से हम थोड़ा घी और पोर कर देंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।